तो आइए इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो टोटल हम तीन न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक हम सिंपल ब्लॉक ब्रेक पे लगाएंगे, एक डबल ब्लॉक ब्रेक पे लगाएंगे और एक पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक जो हमने पढ़ा था, वो तीनों पे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये कैसा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज सोन इन फिगर दिस, ये फिगर में जो है वो, द डायमीटर ऑफ द ड्रम इज 250 mm, ड्रम का जो डायमीटर है ये व्हील का, डेट इज 250 mm, एंड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। तो ये कौन सा होगा, कौन सा ये ब्रेक सिस्टम है, थीटा 60 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब ये अपना पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूडस निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ द ऑपरेटिंग फोर्स इज, ऑपरेटिंग फोर्स मतलब आप जो लीवर को ऑपरेट कर रहे हो इसको टच कराने के लिए, वो फोर्स दैट इज 700 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द लाइनिंग, ये ड्रम और जो ब्रेक लाइनिंग है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.35, डिटरमाइन द टॉर्क दैट मे बी ट्रांसमिटेड बाई द ब्लॉक, ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, नाउ सिंस द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, देयर फॉर इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्ट, 60 डिग्री ज्यादा है, 90 डिग्री है, देयर फॉर हम सबसे पहले इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज म्यू डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा देखा था, 4 μ sin θ अपॉन 2θ प्लस sin 2θ। तो डिजाइन डाटा बुक में ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप डीएमई वाले हो तो ठीक है, और डोम वाले हो तो जो आप डेरिवेशन सॉल्व करो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा। तो म्यू डैश इज इक्वल टू 4 μ sin θ अपॉन दिस, म्यू कितना है हमारा 0.35, 0.35 इंटू साइन, अब देखो ये जो हमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमें पता है 2θ होता था, तो 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ना कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ, ध्यान देना। ठीक है, इस तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमारा 2θ होता है, तो 2θ जब 60 डिग्री से ज़्यादा है तब इस कंडीशन में लेते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करोगे तो π/2 रेडियन हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा 45, देयर फॉर थीटा की जगह 45 पुट किया और 2θ, 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा अकेले, यहाँ पे देखोगे थीटा के साथ कोई भी अलग वेरिएबल नहीं है नंबर्स के अलावा, तो इसको रेडियन में आप लोगे, अगर थीटा के साथ साइन है, कॉस है, कुछ भी अल्फा है, बीटा है, तब आप उसकी जगह पे आप रेड उसको थीटा एंगल एक डिग्री में लेते, अगर अकेले हैं थीटा तो उसको रेडियन में लो, तो अकेले हैं तो रेडियन, तो 2θ इज इक्वल टू π/2 रेडियन, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को कैसे रेडियन में बदलोगे, 90 डिग्री, 90 × π/180 जो सॉल्व करोगे तो वो π/2 रेडियन आएगा। ठीक है, तो π/2 पुट किया हमने, sin 2θ, sin 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने रखा, इसे सॉल्व करोगे तो 0.385 आपका म्यूडस निकल जाएगा, नाउ म्यूडस निकल गया। नाउ नेक्स्ट, लेट Rn इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, Ft इज अ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स, दैट इज Ft, या इसके लिए कंडीशन में क्या, पिवोटेड ब्लॉक में μ Rn होता है, जो पिवोटेड ब्लॉक होता है एंगल 60 डिग्री ज़्यादा होता है, तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ आपका जो आपका टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स आपका होता है, फ्रिक्शन फोर्स दैट इज μ Rn होता है। ठीक है, तो नाउ टेकिंग मूवमेंट अबव द फल्क्रम ओ के अकॉर्डिंग अबाउट आपको मूवमेंट लेना है। तो ये है फिगर, ये फल्क्रम ओ पॉइंट, यहाँ पे तीन फोर्स Rn, Ft और ये लोड 700, तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, तीनों के लिए हम करते हैं। तो देखो, और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, नाउ टेकिंग 700 × 450, ये 700 जो फोर्स लग रहा है ओ तक का डिस्टेंस, 250 प्लस 200 दैट इज 450, तो 700 × 450 प्लस एफ टी जो एक्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मैं बनाया नहीं हूँ यहाँ पे, एक्चुअल बना लो आप, क्लॉकवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये एफ टी मतलब नीचे की ओर लग रहा है, तो ये 700 और दोनों को एक साथ रखेंगे, तो 700 × 450 प्लस एफ टी, ये एफ टी जो फोर्स लग रहा है ओ कितने डिस्टेंस पे है, ओ से 50 डिस्टेंस पे, तो 50 इज इक्वल टू Rn, Rn ऊपर की ओर लग रहा है, तो Rn इंटू 200, Rn जो लग रहा है Rn, दिस Rn इंटू ओ तक का डिस्टेंस 200, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200। ओके, देयर फॉर Rn की जगह अब Rn को आप Ft के टर्म में चेंज कर दो, Ft इज इक्वल टू म्यू डैश Rn, तो Rn क्या हो जाएगा, Ft अपॉन म्यू डैश, तो Ft अपॉन म्यू डैश हमने लिख दिया। ठीक है, देयर फॉर इसे सॉल्व करोगे तो 315000 प्लस Ft इंटू 50 इंटू इज इक्वल टू Ft, अब म्यू डैश की वैल्यू आई थी 0.385, तो 0.385 पुट करोगे, 200 से डिवाइड करोगे तो 519.48 आ जाएगा। अब ये Ft वाला टर्म जो है दोनों को एक साथ कर लो, तो Ft 469.4 हो जाएगा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देयर फॉर Ft इज इक्वल टू 670 न्यूटन, तो आपका जो क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग पूछ रहा था हमारा फोर्स वो निकल गया। ठीक है,
और उसके बाद हमारा एफ टी तो निकल गया फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हमें बोला था क्वेश्चन में कि ब्रेकिंग टॉर्क निकालो, तो ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर होता है, हमें पता है। तो एफ टी हमने कैलकुलेट कर लिया 670 और आर हमारा रेडियस ऑफ ड्रम दिया हुआ है तो 125, देयरफॉर 670 इंटू 125 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा पिवोटेड ब्लॉक ब्रेक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन? अब द ब्लॉक ब्रेक एज शोन इन फिगर, ठीक है ये फिगर है, क्या अंतर? अच्छा, एक क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट हो रहा है। क्लॉक वाइज में रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ लग रहा है, और एंटी क्लॉक में रोटेट हो रहा है तो फ्रिक्शन हमारा इधर लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। नाउ प्रोवाइड्स अ ब्रेकिंग टॉर्क, द ब्लॉक ब्रेक शोन इन फिगर दिस प्रोवाइड अ ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क टीवी दे दिया है 360 न्यूटन मीटर, मीन्स 360 × 10⁻³ Nm। ओके, ऑफ द ब्रेक ड्रम इज 3, डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज 300 mm, डायमीटर दिया है 300 mm। ओके, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.3, डायमीटर 300, तो रेडियस हमने निकाल लिया 150 mm, मीटर में चेंज किया तो 0.15 meter। ओके, नाउ द फोर्स पी टू बी अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर फॉर द क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन फॉर द, ठीक है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें जो फोर्स लगेगी, जो जिस फोर्स से हमने अपने ये ब्रेक शू को इससे टच कराया है डिस्क के, तो कितना फोर्स लगा रहे हो आप? तो सबसे पहले वो फोर्स कैलकुलेट करना है, ये जो पी है ये फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, व्हेन क्लॉक वाइज रोटेट और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट बोथ केस में, पहले तो ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, द लोकेशन ऑफ पिवोटेड और फलक्रम, फलक्रम का लोकेशन कहाँ होगा टू मेक द ब्रेक सेल्फ लॉकिंग, फलक्रम का लोकेशन क्या होगा जब आपका जो ब्रेक है वो कैसा काम करेगा, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक की तरह काम करेगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाए खुद से, तो उस टाइम पे फलक्रम का पोजीशन क्या होगा वो फाइंड करना इन क्लॉकवाइज ऑफ द ब्रेक ड्रम, सिर्फ क्लॉकवाइज कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेकिंग टॉर्क हमारा दिया हुआ है टीवी, तो ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर होता है, पता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क। तो टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क हमारा दिया हुआ है 360 एफ टी इंटू आर, आर दिया हमारा 0.15 meter, तो इससे हमारा एफ टी निकल गया, डेट इज कितना आया एफ टी हमारा, दिस एफ टी इज द 2400 newton। ओके, नाउ नॉर्मल रिएक्शन, एफ टी इज इक्वल टू म्यू आर एन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर एन होता है, तो आर एन कितना हो जाएगा एफ टी अपॉन म्यू, तो एफ टी हमारा 2400 अपॉन म्यू हमारा क्वेश्चन में दिया गिवन 0.3, तो हमारा रिएक्शन भी निकल गया, ये रिएक्शन निकल गया कितना 8000 newton। ओके, नाउ फॉर क्लॉकवाइज में अब हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर कंडीशन ऑफ क्लॉकवाइज टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट मूवमेंट लेना, ये ओ के अबाउट पॉइंट, ओ के अबाउट हमें मूवमेंट कंसिडर करना है, तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये जो पी है, ठीक है, ये जो पी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये भी रोटेट होकर ऐसे नीचे, ये भी आपका नीचे की ओर एक्ट होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो एफ टी जो है नीचे की ओर ये भी एक्ट करेगा, तो ये फोर्स और ये फोर्स प्लस कर हम ये आर एन जो ऊपर की ओर है उसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर पी इंटू 800, दिस पी जो फोर्स लग रहा है वो पी इंटू यहाँ से फलक्रम तक का, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 600 प्लस 200 800, तो पी इंटू 800 प्लस एफ टी, ये जो एफ टी है ये फोर्स कितना, फलक्रम कितना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50, तो एफ टी इंटू 50 इज इक्वल टू, ये जो रिएक्शन आपका ऊपर की ओर लग रहा है ये रिएक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज 200, ठीक है, ये रिएक्शन जो लग रहा है आपका सेंटर पे इसके 200। देयरफॉर इसे सॉल्व करो, एफ टी का वैल्यू हमने निकाला है, पुट किया, आर एन की वैल्यू हमने निकाला पुट किया, तो बचा क्या सिर्फ पी, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पी आपका आ जाएगा 1850 newton फॉर क्लॉकवाइज कंडीशन में। एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जब देखोगे आप, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज में जब आप देखोगे तो ये पी वन नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, आर एन ऊपर की ओर एक्ट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट होगा तो एफ टी हमारा इधर है, तो एफ टी हमारा किधर एक्ट हो रहा है, कैसा एक्ट होगा, ये देखो ये ऐसे घूम रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो एफ टी हमारा यहाँ ऊपर की ओर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर दिस कंडीशन क्या आर एन और एफ टी एक साथ प्लस होंगे और पी इक्वल के बाद होगा मूवमेंट जब लोगे आप, ठीक है। सो फॉर दिस कंडीशन पी इंटू 800 परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका इज इक्वल टू एफ टी इंटू फलक्रम का डिस्टेंस 50 प्लस आर एन इंटू 200, ठीक है। अब यहाँ पे एफ टी की वैल्यू जो है पुट करो, आर एन की वैल्यू जो 8000 आई पुट करे, उससे पी निकालिए, और जो आपका पी आएगा, हमने एफ टी और आर एन की वैल्यू पुट की, पी आपका आया 2150 newton फॉर एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में। नाउ लोकेशन ऑफ पिवट और फलक्रम टू मेक्स द ब्रेक सेल्फ लॉकिंग, ये कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखना, जब सेल्फ लॉकिंग हो, आपका ब्रेक ऑटोमेटिक लॉक हो जाए,
ऑटोमेटिक लग जाए, उस कंडीशन में आपका फुलक्रम का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो फॉर दिस कंडीशन पी इंटू 800 प्लस एफ टी इंटू एक्स इज प्लस आर एन इज इक्वल टू 300, तीनों के लिए हमने इज इक्वल टू जीरो कर दिया। क्यों किया फिगर, ठीक है? ये रहा क्लॉकवाइज का फिगर। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारा जो पी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, एफ टी भी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, आर एन ऊपर की ओर एक्ट हो रहा है, तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में आर एन भी हमारा नीचे की तरह, जब तीनों एक साथ नीचे की ओर एक्ट होगा तो ऑटोमेटिक सेल्फ ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा आपका ड्रम, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या करना है अपने को, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? तीनों फोर्स हमें नीचे चाहिए, तो इस कंडीशन में आपका फलक्रम जो है ये पोजिशन, इसका पॉइंट क्या होगा, ये फलक्रम का पोजिशन क्या होगा इस कंडीशन में, ये जो फोर्स लग रहा है इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 600 प्लस 200 800, ये एफ टी जो लग रहा है इसे फलक्रम तक का डिस्टेंस दैट इज 50, फलक्रम तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं, ये जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है उससे फलक्रम का डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया उसे x ले लिया, एफ टी इंटू एक्स प्लस आर एन जो लग रहा है, आर एन ये इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 200, ठीक है? ये मैं लेके ऐसे किया, तो देयर फोर तो आपका क्या इक्वेशन आएगा, P इंटू 800 प्लस एफ टी इंटू एक्स प्लस आर एन प्लस आर एन इंटू 200 इज इक्वल टू जीरो। इन ऑर्डर टू मेक द ब्रेक सेल्फ सेल्फ लॉकिंग एफ टी इंटू एक्स, दिस एफ टी इंटू एक्स फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा और आपका जो जो क्या बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स है वो जीरो के इक्वल हो जाता है फॉर दिस कंडीशन। तो ये टॉपिक ध्यान देना, फॉर दिस कंडीशन क्या होता है, आर एन एफ टी इंटू एक्स फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट और फ्रिक्शनल मूवमेंट और आपका रिएक्शन मूवमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा और आपका ये पी वाला जीरो हो जाएगा, ये टर्म टोटल जीरो। तो एफ टी इंटू एक्स इज इक्वल टू आर एन इंटू एक्स, एफ टी वैल्यू पता है आपको 2400, आर एन की वैल्यू पता है 8000, दोनों को पुट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 667, मीन 667 मीटर पर आपका फलक्रम का पोजिशन है, ठीक है? ओके, तो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ये डुअल ब्रेक की, देखो बीच में ड्रम लगा हुआ है, ये दोनों तरफ से ये ब्रेक शू हम ऐड कर रहे हैं, मीन डबल ब्रेक शू डबल ब्लॉक ब्रेक शू का क्वेश्चन उसका सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अ डबल शू ब्रेक एज सोन इन फिगर दिस, इट इज कैपेबल टू एब्जॉर्बिंग द टॉर्क ऑफ इतना, ठीक है? द डायमीटर ऑफ द ब्रेक ड्रम इज इतना दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच शू इज 100, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, ये ब्रेक का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 100, इस ब्रेक का एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 100 दिया हुआ है। इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड लाइनिंग इज 0.4, म्यू दिया है 0.4, एंड फाइंड वन फर्स्ट थिंग फाइंड करना है, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी टू सेट द ब्रेक, स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि ये दोनों को पुश कर रहा है, जो आपको ये फोर्स जो चाहिए हमें, इधर का ये फोर्स और एक ये फोर्स, ये स्प्रिंग फोर्स जो चाहिए हमें दोनों को इसे इस ड्रम को रोकने के लिए, ये फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है स्प्रिंग फोर्स। एंड सेकंड वन इज द विड्थ ऑफ द ब्रेक, जो हमने जो ब्रेक शू लगा रखा है ये ब्रेक शू इसका विड्थ क्या होगा, इसका विड्थ फाइंड करना है, हो गया? इफ द बियरिंग प्रेशर ऑन द लाइनिंग मटेरियल इज नॉट एग्जिट, इतना बियरिंग प्रेशर बोला है लाइनिंग ऑफ दिस इज नॉट एग्जिट 0.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, तो आइए इसका देखते हैं गिवन, तो हमें टी बी दिया हुआ है 1400 न्यूटन पर मीटर, तो एमएम में चेंज कर लिया, डायमीटर ऑफ दिस दिया है 350 mm, तो हमने मीटर में चेंज कर लिया, रेडियस बना लिया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है एच मीन्स 2 थीटा दिया था 100, तो उसे हमने रेडियन में चेंज कर लिया, पाई बाई 180 से करके 1.75 रेडियन, म्यू दिया है 0.4, ठीक है? और लिमिटिंग प्रेशर भी दिया है 0.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स, तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना था, स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लेट एक्स इज द स्प्रिंग फोर्स, आर एन वन और एफ टी वन इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग फोर्स ऑन द टाइट साइड, ठीक है? आर एन वन और एफ टी वन जो रिएक्शन एट फ्रॉम दिस से, जो रिएक्शन इस पे लग रहा है ये ब्लॉक के कारण, जो रिएक्शन आर एन वन है और इसके कारण जो फ्रिक्शनल है एफ टी वन, ये है हमारा नॉर्मल रिएक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स ऑन द टाइट साइड, ओके? और आर एन टू और एफ टी टू जो इस ब्लॉक के कारण लग रहा है, आर एन टू दिस और ये एफ टी टू दिस, नॉर्मल रिएक्शन ब्रेकिंग फोर्स फॉर स्लैग साइड, हमने ऐसे लेके कर रहे हैं, ठीक है?
सिंस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 60 डिग्री देयर फॉर इक्विवेलेंट कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हम सबसे पहले निकालेंगे. एंगल 100 दिया है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले म्यू डैश निकालेंगे. म्यू डैश इज इक्वल टू 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा होता है. तो थीटा हमारा दिया हुआ है कितना, 100 है, तो उसका हाफ 50, 2 थीटा इज इक्वल टू 100 है तो थीटा 50, 50 पुट किया हमने, म्यू हमारा 4 इंटू म्यू हमारा 0.4 है, 2 थीटा हमारा 100 है और इसको रेडियन, ये 2 थीटा यहाँ अकेला है तो रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आया था 1.75, जस्ट हमने यहाँ पे दिखाया था आपको 1.75, ठीक है. तो 1.75 पुट किया तो इससे हमारा म्यू डैश आ गया 0.45. आगे नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, अब फलक्रम ओ के अबाउट हमें मूवमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है. किसी एक साइड का करते हैं, किसी एक साइड का, या फिर इधर का या फिर इधर का, दोनों में से किसी एक साइड का हम करते हैं. तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, हम ये इस ब्लॉक के लिए देख रहे हैं, तो ये ओ पॉइंट पे एस इंटू 450, ठीक है. देखो अब ध्यान से थोड़ा फिगर देखो, ये देखो एस इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, तो मीन्स एफ टी नीचे की ओर लग रहा है, और ये रिएक्शन कैसा है, एफ टी करे तो एफ टी भी इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है. एक मिनट, ये ऐसे रोटेट हो रहा ना, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये ध्यान देना. ये देखो ये एस हमारा जो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर एक्ट हो रहा है, ये रिएक्शन इधर एक्ट हो रहा है, और ये क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो है क्लॉक वाइज रोटेट फ्रिक्शन भी हमारा इधर की ओर एक्ट हो रहा है. देयरफॉर हम इस स्प्रिंग फोर्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी दोनों को एक तरफ रख के ऐड करेंगे. ओके, फ्रॉम दिस कंडीशन टेकिंग मूवमेंट एस इज इंटू 450. 450 क्यों लिया, फलक्रम तक का डिस्टेंस आप देखो, यहाँ एस जो है एस से 250 प्लस 200 फलक्रम तक का डिस्टेंस, तो ये 400, तो ये हमने ले लिया एस इंटू 450 इंटू आर एन वन, या आर एन वन इसका डिस्टेंस कितना है फलक्रम से 200, तो 200 प्लस एफ टी, एफ टी का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, दैट इज 170 माइनस 40, 170 इसका रेडियस माइनस 40 दिस. ओके नाउ देयरफॉर आर एन वन, आर एन वन को आप क्या लिख सकते हो, एफ टी अपॉन म्यू लिख सकते हो, क्योंकि एफ टी इज इक्वल टू म्यू आर आर एन होता है, तो म्यू आर एन वन को एफ टी अपॉन नहीं लिख सकते हो, म्यू म्यू की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, दैट इज 0.45, और ये दिस, इसे करोगे सॉल्व करो तो आपका आ जाएगा कुछ एफ टी वन इज इक्वल टू 0.776 एस, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा हमें कैलकुलेट करना है स्प्रिंग फोर्स. तो अभी एक इक्वेशन बनाए हम एक साइड से, अब दूसरे साइड से ब्लॉक से भी एक इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सॉल्व करें तो हमारा स्प्रिंग फोर्स एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. तो एफ टी वन हमने कैलकुलेट कर लिया दिस, अब एफ टी टू कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस साइड. जो ब्लॉक हमारा दूसरा साइड लगा हुआ है उस साइड हम जाकर उसके ओ टू, ठीक है, ये जो ओ टू है इस यहाँ से अब हम देख रहे हैं एफ टी टू के लिए, ठीक है. तो यहाँ से आप ध्यान दोगे, ये देखो ये आर एन ऊपर की ओर लग रहा है, एस इधर की ओर लग रहा है, ये एफ टी टू जो है एफ टी टू किधर की ओर लग रहा है, इसका अपोजिट लग रहा है ना, माइनस एफ टी टू, ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये ऐसे इधर की ओर लग रहा है. तो हम ये दोनों को एक साथ रखें और आर एन को एक तरफ कर दें, या फिर आर एन एफ टी ये दोनों प्लस में है तो ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं. तो जो इक्वेशन हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो हमने क्या किया, अगेन टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ टू, तो एस इंटू 450 गड़बड़ यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ध्यान देना, नहीं नहीं ठीक है, एस इंटू 450 प्लस एफ टी टू 175 माइनस 40 इज इक्वल टू आर एन टू इंटू 200, ठीक है. तो आर एन टू की जगह पर हमने एफ टी टू अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर दिया, दैट इज 0.45. तो इससे जो हमारा एफ टी टू, हमने ये इक्वेशन बाद इसके बाद ये इक्वेशन बना, तो एफ टी टू हमारा आ गया 1.454 एस, एस है ये, ठीक है. तो दो इक्वेशन बिना, तो फ्रॉम इक्वेशन वन और फ्रॉम इक्वेशन टू हम जानते हैं हमारा ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, इट इज़ एफ टी वन प्लस एफ टी टू आर. तो एफ टी वन हमने निकाला दिस, एफ टी टू हमने निकाला अभी दिस वैल्यू, और आर हमारा कितना है 175, और टी वी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो बचा क्या निकालने के लिए, एस. सॉल्व फॉर इक्वेशन, एस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3587 न्यूटन. ओके नाउ अब हमें विड्थ भी निकालना, जो हमने ब्रेक शू लगा रखा था, मीन्स ये जो हमारा ब्रेक शू लगा हुआ है इसका विड्थ कितना होगा, हमें विड्थ भी कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में कहा है कि विड्थ ऑफ द ब्रेक भी कैलकुलेट करें इस कंडीशन में. ओके तो विड्थ ऑफ द ब्रेक कैसे निकलेगा, लेट बी इज द विड्थ ऑफ द ब्रेक शू. ओके तो आर एन वन क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन म्यू डैश हो जाएगा, फॉर क्योंकि ये पिवोटेड ब्रेक चल रहा है तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे. तो एफ टी वन हमने जस्ट अभी निकाला था 0.776 इंटू एस,
अपॉन म्यू डैश हमारा था 0.45। दिस इज इक्वल टू हमारा एस की वैल्यू आ गई, हमने पुट किया, और दिस म्यू। ओके, तो आर एन वन हमारा आ गया 6186 न्यूटन। ओके, फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, फिगर देखें एक बार फिर से आप। हमने आर एन वन इस साइड के लिए निकाला, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड के लिए हमने निकाला, अब लेफ्ट साइड के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो आर एन टू निकाला, तो आर एन टू इज इक्वल टू एफ टी टू अपॉन म्यू डैश, तो एफ टी टू हमारा है 1.454 इंटू एस अपॉन 0.45 इज इक्वल टू 1.454 इंटू एस हमारा आया 3587, पुट किया 0.45 म्यू, देयरफॉर आर एन टू इज इक्वल टू दिस। आर एन वन आर एन टू भी हमने निकाल लिया। अब क्यों हमने आर एन वन और आर एन टू निकाला जबकि हमें तो विड्थ कैलकुलेट करना था, अभी समझ में आ जाएगा। नाउ मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स इन द इन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अभी इस दोनों में आप सबसे जो मैक्सिमम है, क्योंकि जिधर ब्रेक का मैक्सिमम निकलेगा रिएक्शन उसी को ना कैलकुलेट करेंगे, वही सही है, जितना अच्छा रिएक्शन फोर्स कर ले। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैक्सिमम रिएक्शन फोर्स किसका है, आर एन टू का है, जो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो हमने यही कंसिडर किया। देयरफॉर प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, शू का प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा दिस, ये प्रोजेक्टेड एरिया, इसे प्रोजेक्ट करोगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया बी और इंटू ये डिस्टेंस, दैट इज ये आर प्लस आर टू आर और ये साइन थीटा, देयरफॉर ये हो जाएगा बी टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी टू इंटू आर हमारा 175 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 268 bm² एरिया आ गया। नाउ वी नो दैट द बियरिंग प्रेशर ऑन द लाइनिंग मटेरियल, बियरिंग प्रेशर भी दिया है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और आर एन टू एक तरह का रिएक्शन फोर्स है, तो आर एन टू अपॉन एरिया, तो हमारा प्रेशर दिया हुआ 0.003 और फोर्स हमारा निकाला है आर एन टू हमने निकाला था अभी जस्ट पीछे 11590 अपॉन एरिया हमारा इतना आया, तो बचा क्या बी निकालने को, तो बी एक तरफ करो, बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज दिस, ठीक है, b इज इक्वल टू 144.2 mm। तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल बना होगा, तीनों टॉपिक पे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो काफ़ी जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे इसी टॉपिक पे बनेंगे और बाहर से कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है, तो और भी सिंपल भी देख लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।